नगर परिषद सभापति रेखा भाटी व उनके पति राकेश भाटी आज पाली से जयपुर के लिए पैदल रवाना हुए। दंपति पाली शहर सहित जिले के व्याप्त पेयजल संकट के चलते जयपुर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर जोधपुर से पाली तक का पाइपलाइन की मांग रखेंगे। नगर परिषद सभापति रेखा भाटी उनके पति दंपति एक थैला लिए हैं और वो ज्ञापन देने जाएंगे। यह दंपति पाली से 300 किलोमीटर पैदल चलकर जयपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि नगर परिषद पाली में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और राकेश भाटी भारतीय जनता पार्टी के कदावर कार्यकर्ताओं में से एक है। सांसद पीपी चौधरी ने नजदीकी माने तो हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण माली ने खास बातचीत की उनसे। किस उद्देश्य को लेकर आप ये पैदल यात्रा कर रहे हैं? आज ये पैदल यात्रा हम इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि वर्षों से पाली के अंदर पानी की समस्या आ रही, इसके स्थायी संबंध है, तो हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री घोषणा के अंदर जोधपुर से रोड तक तो लाइन ला दी, रोड से पाली शहर तक ला दें। इससे क्या कि भयंकर समस्या पाली के अंदर है, हम इसका ही समाधान हेतु सीएम साहब को ज्ञापन देने 30 किलोमीटर दोनों दंपति चेयरमैन साहब और मैं पैदल जा रहे हैं, इससे पाली का स्थायी समाधान हो जाएगा। हमें आशा है मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे और पाली को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, किस संदर्भ में किए जा रहे हैं? ये पैदल यात्रा हमारी पाली की जल समस्या को लेके है और इसके स्थायी समाधान के लिए हम रोड से जो पाइपलाइन बीच में ही कट हो गई है उसको हम कह रहे हैं कि भाई ये पाइपलाइन हमारे पाली शहर तक आ जाए, क्योंकि अभी पाली में पाली के पानी के लिए त्राई त्राई मांग की मची हुई है और हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हमारे इस सुझाव को जरूर मानेंगे और हमारे पाली शहर को पाइपलाइन देंगे।